मदीना से मिला इस्लाम के अंत का खौफनाक संकेत। क्या सच में धरती से मिट जाएगा इस्लाम धर्म? आखिर क्या है वो खौफनाक संकेत? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज जो हम बताने वाले हैं वो आपको पूरी तरह से हिला कर रख देगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। सऊदी अरब में इस्लाम के जन्म से पहले हिंदू वैदिक धर्म का डंका बजता था। सम्राट विक्रमादित्य का साम्राज्य संपूर्ण अरब में फैला हुआ था। आज यहाँ पर यहूदी और वैदिक धर्म का नामो निशान मिट चुका है। उसी जमीन पर कभी वैदिक धर्म का डंका बजता था। उसी सऊदी अरब के मक्का शहर में कभी मक्केश्वर महादेव का भी मंदिर हुआ करता था। सऊदी अरब के मक्का शहर में इस्लाम से पहले बड़े स्तर पर शिवलिंग की पूजा होती थी। पैगंबर मोहम्मद के चाचा, जो कि शांति के प्रतीक हैं, वो मोहम्मद साहब को अल्लाह का आखिरी पैगंबर नहीं मानते थे, वो शिवजी के परम भक्त थे। जी हाँ, सही सुना आपने, वो शिवजी के परम भक्त थे। उन्होंने ही शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कई कविताएं भी लिखी। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि शिव ही सत्य है। पैगंबर मोहम्मद के चाचा ने एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब लिखी, जिसमें उन्होंने बहुत सारी शिव स्तुति लिखी। इस किताब में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि अगर दुनिया में कहीं पवित्रता है और कहीं ईश्वर रहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। उस किताब का नाम था सायर उल ओकुल। ये किताब आज भी सुरक्षित रूप से इस्तांबुल के लाइब्रेरी में रखी हुई है। अगर इस किताब को ठीक से पढ़ेंगे, इस किताब में कुरान को नकारते हुए सिर्फ वेदों की बात कही गई है। इस्लाम से पहले संपूर्ण अरब वैदिक रंग में रंगा हुआ था, जिसके बाद इस किताब को इस्तांबुल में रखा गया और उसके बाद कभी भी इस किताब की चर्चा अरबियों ने नहीं की। इस्लाम से पहले मक्का में शिवजी का मंदिर था, जिसे मक्केश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण अरब के लोग इसके पूजक थे और इस बात का उल्लेख भविष्य पुराण में भी है। उसके अलावा विश्व वैदिक राष्ट्रीय इतिहास की किताबों में तथ्यों के साथ संपूर्ण अरब के हिंदू इतिहास को सबके सामने पेश किया गया है, जिसमें हमारे महान सम्राट विक्रमादित्य का गुणगान किया गया। और सबसे पहले दुनिया को इस किताब से पता चला कि मक्का के काबा में सम्राट विक्रमादित्य के शासन काल का सोने का शिलालेख लगा हुआ है। इस किताब में इस प्रकार ये लिखा हुआ है कि भारत भूमि के सम्राट महाराज विक्रमादित्य ने अरब में शासन करके इस भूमि को पवित्र किया। उन्होंने इस भूमि से दरिद्रता दूर की और संपूर्ण अरब के नगर नगर तक उनकी ख्याति फैली हुई है। उनके स्वर्ण रजत काबा में लगाए गए इस शिलालेख के अनुसार सम्राट ने अरब में वैदिक धर्म का प्रचार किया। उन्होंने अरब हिंदुओं को देवी देवताओं से परिचित कराया। आप कभी भी किसी मुस्लिम जिसने हज की यात्रा की हो, उससे पूछना कि काबा के मुख्य द्वार पर जो शिलालेख लगे हैं, वो किस भाषा में लगे हैं। हालांकि हो सकता है वो ना बताएं, मगर 1980 के दशक में एक यूरोपियन यात्री मक्का की सच्चाई जानने के लिए मुस्लिम बनकर काबा के अंदर गया। वहाँ उसने जो कुछ भी देखा, उसे देखकर वो हैरान हो गया। उसने बताया कि काबा के मुख्य द्वार से किसी को जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इसमें इस्लाम के पहले का इतिहास और देवी देवताओं की मूर्ति रखी हुई है। उसने ये भी बताया कि काबा के मुख्य द्वार पर संस्कृत के शिलालेख लगे हुए हैं। जब उसने उस शिलालेख की ओर गौर किया, तो वहाँ पर मौजूद लोगों ने उसे आगे बढ़ने को कहा। इस शिलालेख में गीता के पद वाक्य भी लिखे हुए थे। सदियों पहले अरब में भारत की ही तरह देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। प्राचीन काल में जब अरबी लोग देवी देवताओं को याद करते थे, तो वो सबसे पहले अल हिलाल शब्द का प्रयोग करते थे। इस्लाम के आने के बाद ये शब्द इस्लाम के इतिहास में कहीं खो गया, क्योंकि ये देवी को समर्पित है। प्राचीन अरब में मूर्ति पूजा भी की जाती थी, इस बात को भी कोई इनकार नहीं कर सकता। आज भी पूरी दुनिया में खुदाई के दौरान मूर्तियां ही निकलती है, कोई भी दरगाह या फिर मस्जिद नहीं निकलती। मदीना शहर में दो जातियां थी, जो आज भी मौजूद है। ये जातियां उस समय बहुत ही ताकतवर थी। देवी मन्नती इनकी कुल देवी थी। अरबी दस्तावेज के हर कौम की अपनी एक देवी थी। हर कोई मूर्ति पूजा में लीन था। और इसी समय पैगंबर मोहम्मद साहब ने जन्म लिया और ना सिर्फ अरब बल्कि पूरे विश्व को अपने मजहब से रोशन किया। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर वैदिक धर्म अरब में कैसे गया, कौन इतनी दूर वैदिक धर्म का संदेश लेकर गया। तो इसके दो जवाब हो सकते हैं। अंग्रेजी इतिहासकारों के अनुसार जब आर्य भारत आए, यहाँ सबसे पहले आपको बता दें कि आर्य बाहर के नहीं बल्कि भारत के ही निवासी है। जब आर्य भारत आए, तो वो सत्ता के लिए लड़ते लड़ते मजबूत हो चुके थे। जब आर्यों की सत्ता ने निर्णय लिया
कि वैदिक धर्म को दूर देशों तक पहुंचाया जाए जिससे लोगों में ज्ञान का भंडार हो सके। इसके बाद आर्यों की सेना सत्ता के आदेशों का पालन करने के लिए ईरान इराक को जीतते हुए भगवा लहराते हुए अरब देश पहुंचती है। साथ ही उन्होंने अपनी सत्ता का केंद्र यमन और मिस्र देशों को बनाया, जहां उन्होंने बड़े स्तर पर हिंदू वैदिक धर्म का परचम बुलंद किया। पर आर्य अरबियों की भाषा के चलते उन्हीं में कहीं खो गए। अरब गए हुए आर्य उन्हीं की रीति रिवाजों में कहीं खो गए, मगर उन्होंने मूर्ति पूजा करना नहीं छोड़ा। कालांतर में यही आर्य जो वैदिक संदेश लेकर आए थे, यही यहूदी कहलाए। इसी मुद्दे पर प्रसिद्ध इतिहासकार पीएन ओक कहते हैं कि आर्य तो भारत के मूल निवासी थे, वास्तव में अरब में वैदिक धर्म महान सम्राट विक्रमादित्य ने फैलाया। विक्रमादित्य का इतिहास कुछ इस तरह शुरू होता है। आपको बता दें कि विक्रमादित्य एक उपाधि है जिसका अर्थ है संपूर्ण भारत पर शासन करने वाला। उन्हें विक्रमादित्य ने अपना सत्ता का लोहा अरब से यूरोप तक मनवाया। अरबी दस्तावेज जो कि आज इस्लामिक लाइब्रेरी यानी कि तुर्की के इस्तांबुल में रखा हुआ है, उसके अनुसार बहुत ही दुर्लभ गुणों का राजा अरब तक अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए आया। उसने संपूर्ण अरब को स्वर्ग बना दिया। उसने अरबियों को अपने धर्म से परिचित कराया। उसके राज में जनता काफी खुश भी थी और सम्राट ने अपने देश के सूर्य से भी तेज विद्वानों को अरब में ज्ञान बांटने के लिए भेजा। आज भी अरबी नामों में संस्कृत शब्द खोजे जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वैदिक धर्म संपूर्ण अरब में फैल चुका था तो वहाँ से इसका सफाया आखिर कैसे हुआ? तो इसका जवाब है अरब देशों में इस्लाम का होना और इस्लाम के साथ ही वहाँ से धीरे धीरे वैदिक धर्म मिटने लगा। आपको बता दें कि बहुत से लोगों को आपने कहते सुना होगा कि मुस्लिम लोगों ने मक्का में शिवजी को कैद कर रखा है और जब कोई हिंदू वहां जाकर दूध या गंगा जल चढ़ाएगा तो शिवजी आजाद हो जाएंगे और इस्लाम का अंत हो जाएगा। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें कोई शख्स मक्का मदीना में दूध फेंकते हुए नजर आ रहा है। हालांकि इस कहानी में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, इसे हमारा चैनल स्पष्ट नहीं करता। आप खुद ही कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।